हेलो, खट्टा लगता है रोटी, अच्छा लगता है। हेलो एंड नमस्कार गाइस, तो स्वागत है आप सबको फिर से मेरे आज के नए ब्लॉग पे। तो देख सकते हो कि मैं अभी घर के पीछे हूँ और आप सबको बता दूँ कि आज का ब्लॉग बस कुछ चैलेंज करूँगा मैं फ्री फायर में या कुछ गांव का गेम में। तो आप सब भी और मजे लीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें और इससे भी। तो गाइस वीडियो में बने रहे और मिलते हैं खाना खाना खा के और चलेंगे आगे। तो गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं और खाना खा के अभी। तो गाइस वीडियो में बने रहे और दिखाते हैं आप सबको कैसे हो आप सब कर कैसे हो आप सब को हाँ तो गाइस देख सकते हो हम अभी गेम खेल रहे हैं, इसको बोलते हैं बागचाली। तो गाइस हम अभी बागचाली खेल रहे हैं, देख सकते हो हम और मेरे दोस्त हैं। हाय बोल दे रामडी। हेलो चलो भागे इस तो पावडर में आज के यार क्या यार चल तुम ये घोटी मजा आ सके जा रहा इतने बड़ा नहीं मेरे दाल वापस है नहीं इलाक चल रही चल रही ये क्यों नहीं चलेगा मेरा मन आजुन चल मानी चा सांग तो लाया था घर पर देना लड़ी है तेरे कान से चल ले तो गाइस देख सकते हो कि मैं अभी कहाँ पे आया हूँ, अपने दोस्त के पास। और देख सकते हो हमारे गांव में कैसे कपड़ा धोता है, थोड़ा दोस्त को देख सकते हो एकदम चकाचक कपड़ा बना रहा है वो। भाई हमारा भी धो देगा क्या? और देखो कॉल भी कैसे चला रहा है। गाइस देख सकते हो मेरा भैंसी एकदम नहा रहा है मस्त से, पहाड़ी एकदम खिलखिला चुका है और देख सकते हो एकदम गंदा पानी में भी डांस कर रहा है मेरा भैंसी। गाइस हम अभी भैंसी चलाने आए हैं और देख सकते हो मेरा भैंसी एकदम पानी में, एकदम गंदा पानी में भी इतना मस्त से खेल रहा है। और दूसरे को देख सकते हो पहाड़ी को एकदम मौज कर रही है एक थालों में भी। देख सकते हो मैं अभी इधर आया हूँ और मुझे देखो क्या मिला है, इसे बोलते हैं तूत और हम खाने वाले हैं। तो देख सकते हो खाकर मजा लेते हैं और देखते रहो वीडियो। ढेर सारा है इधर, ऐसा ही है और एकदम पाका पाका सा भी है, देख सकते हो एकदम मस्त सा खाकर चिल करते हैं और फिर मिलते हैं। और गाइस इसका मजा बस गांव में बना ले सकता है, शहर वाले को तो पता भी नहीं क्या बोलता है इसको। देख सकते हो ये व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला ऐसा रहता है, इसको खाते हैं इसे। बाकी ये दूसरे का खेत का है, हम ऐसे ही खा रहे हैं।
बधान ये गांव में हर एक का घर पे अवेलेबल है। देख सकते हो व्हाइट वाला ये खा रहा हूँ मैं, जो पकता है तो ऐसा व्हाइट हो जाता है, और जो पहले वाला था वो पहले वो रेड होता है और फिर ब्लैक हो जाता है, काला सा हो जाता है। देख सकते हो ऊपर एकदम जो दिख रहा है, हम इसको नीचे नीचे वाला खाते हैं। और ये देखो ये पका नहीं है तो ऐसा है, पकने वाला है, इसको खाने वाला खट्टा लगता है, बेटी अच्छा लगता है। तो गाइस ये फल है ना एकदम ऑर्गेनिक फल है, जो बिना दवा का कुछ नहीं लगता है इसमें, बस पानी बरसात हुआ और ये फलने पकने लग जाएगा। और इसको ज़्यादातर हमारे इधर इंसान दो चीज़ खाते हैं, एक इंसान और एक पंछी, दो चीज़ मस्त से खाते हैं। अभी भी मैं आया था इधर तो इधर सूखा था, जो अभी मुझे देखकर भाग गया और हम इस पे भाग गया। मिलते हैं फिर अगले। तो गाइस आप लोग पूछोगे कि इसका खास बात क्या है, खासियत क्या है, तो मैं इसका यही जवाब दूंगा कि ये है। तो गाइस इसका खासियत यही है कि इसको रोपना नहीं पड़ता है और ये कहीं भी आपसे आप उपज जाता है और ऐसे ही फलने लग जाता है, वरना तो इसको देख लो और इसको देख लो, ये मकई है और ये तूत है, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। उसको अभी तक 3 बार पानी दे चुका है, इसको अभी तक 1 बार भी नहीं, उसको खाद बहुत दे चुका है लेकिन इसको 1 बार भी नहीं। तो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही और मिलते हैं कल के व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और हाँ कल का ब्लॉग जरूर देखिए, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स लाए हैं ब्लॉग के पर्सनली ब्लॉग के लिए तो वो कल यूज़ करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि उसका क्या है और हमको वीडियो बनाने में कितना कंफर्टेबल रहते हैं और इससे भी ज़्यादा कि क्वालिटी कैसा आता है उससे और बैकग्राउंड कैसा क्लियरली रहता कि नहीं उसके बारे में बताएंगे। और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं।